Daily Kabarnama always taking the lead. Saudi Darul Hukumat Riyas par misalon se hamla. Missile hamlon mein Saudi Darul Hukumat Riyas ke ilawa Saudi shahar Jazan ko bhi nishana banaya gaya. Zordar dhamakon ki goonj se shahri khaufzada. Dhamakon ki awazein Saudi Darul Hukumat Riyas ke shimal mein suni gayi. Tafseelat ke mutabik Saudi Arab ke Darul Khilafa Riyas ke shimal mein zordar dhamake sune gaye hain. सरा के मुताबिक सुनाई देने वाले धमाकों की तादाद 3 बताई जा रही है जिनकी गूंज काफी जोरदार थी ताजा इत्तलात के मुताबिक सऊदी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियास के ऊपर दो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है अल अरेबिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी अरब के दो शहरों अल रियास और जसान को निशाना बनाने की कोशिश की गई है सऊदी अरब के अल अखबारिया चैनल के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी दारुल हुकूमत अल रियास पर मिसाइलों से हमला हुआ है और मिसाइल फिजा में ही तबाह हो गए हैं सऊदी शहर अल रियास के शुमाल में रहने वाले शहरियों का कहना है कि मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:20 पर 3 जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं वाज़े रहे कि गुज़िश्ता कल भी सऊदी अरब के दो शहरों अबाहा और खमीस मशहूद पर ड्रोन हमले किए गए थे यमन में आइनी हुकूमत को सपोर्ट करने वाले अरब इत्तेहाद की फोर्स ने कहा था कि इसने दहशतगर्द हौसनी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब की जानिब भेजे गए ड्रोन त्यारे तबाह कर दिए हैं इत्तेहादी फोर्सेस की सरकारी तर्जमान कर्नल तुर्की अलमालकी के मुताबिक मार गिराए जाने वाले ड्रोन त्यारे ममलिकत के दो शहरों अबाहा और खमीस मशीद की सिमत में परवास कर रहे थे इससे कबल अरब इत्तेहाद के सरकारी तर्जमान ने बुध की शाम ऐलान किया था कि इत्तेहाद के मुश्तरक अफवाज की कमानें यमीनी हुकूमत के फैसले को सपोर्ट करती है यमीनी हुकूमत ने यमन में फायर बंदी और कोरोना वायरस के फैलाव के असरात से निमटने के लिए अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से दी गई दावत कबूल करने का फैसला किया था